बॉलीवुड इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सुपरहिट देने वाले जितेंद्र आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। आपको बता दें, जितेंद्र हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो अपनी पुरानी फिल्मों की वजह से हो या फिर अपने बच्चों की कामयाबी की वजह से। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितेंद्र की बेटी एकता कपूर लगातार टीवी इंडस्ट्री पर एक के बाद एक बड़े बड़े धारावाहिक लॉन्च कर रही है, तो वही तुषार कपूर भी अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बार फिर से जितेंद्र का नाम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की हेडलाइन में बना हुआ है। आखिर क्यों जितेंद्र को इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग मिल रही है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप भी हैं जितेंद्र के फैन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जितेंद्र की हालत गंभीर थी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। पर उनकी हालत में जैसे जैसे सुधार हो रही है, लगातार हर किसी को राहत की खबर मिल रही है। और वहीं बीच में जितेंद्र के निधन की खबर काफी जोरों शोरों से वायरल होने लगी थी, जिस पर रोक लगाने के लिए खुद उनकी बेटी एकता कपूर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पिता की हालत ठीक है, ऐसे में इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है कि अगर आपने भी इस तरीके की किसी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। जितेंद्र बिल्कुल ठीक है और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द वो हमें एक नए रियलिटी शो का हिस्सा बने, वो हमें बहुत ही जल्द एक रियलिटी शो में देखने को मिल सकते हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।